हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी साइंस की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 30। ये है आपकी 11 सितंबर की वर्कशीट। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये लाइफ प्रोसेसेस जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो हम ऑलरेडी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कर चुके हैं, आज हम करेंगे एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, कैसे एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बॉडी में, हम उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कंटेंट को अच्छे से समझ आ जाए, उन्हें भी ये कंटेंट। तो आगे चलते हैं कि आज ये क्या है, आपको वर्कशीट में क्या बताया गया है। तो आज की वर्कशीट में आपको बताया गया है एक्सक्रीशन के बारे में। तो किस तरह से जो है ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ह्यूमन बॉडी में वो कैसे निकलते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकलना, एक्सक्रीट करना। तो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन साइड अ लिविंग बॉडी। एज अ रिजल्ट अ वराइटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली बींग जनरेटेड। तो एक तरह से हमारी बॉडी भी जो है एक फैक्ट्री की तरह होती है, कि बहुत सारी चीजें प्रोसेस हो रही होती है उसके अंदर, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। और इस वजह से ऑफकोर्स जैसे भी किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, और हमारे अंदर हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है एनर्जी, तो उसमें जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है तो वो भी हमारी बॉडी से मतलब वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा जनरेट भी होता है, और वो हमारी बॉडी से उसे निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द लिविंग बॉडी नीड्स टू रिमूव दीज वेस्ट। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उसे बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो एक यूनिसेल्युलर मतलब कि एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेल्युलर मतलब कि एक से ज्यादा, बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं एक्सक्रीट करने की। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो इनका जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल होता है। एक ही सेल होता है तो ये क्या करते हैं कि ये डिफ्यूजन कर देते हैं। तो जैसे समझिए कि एक बूंद है, पानी की बूंद है, और उसको अगर पानी में डाला तो अब वहां से जो है वो वहीं के वहीं जो भी अंदर का उसका मटेरियल है वो पानी में घुल जाएगा। इसी तरह से जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने बॉडी का जो वेस्ट है अपने बॉडी सरफेस से, तो ऊपर जो उनकी बॉडी की परत है उससे जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से उसे आसपास के सराउंडिंग वाटर में जो है वो छोड़ देते हैं। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका जो है रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनका सिस्टम होता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए उसमें क्या होता है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्पेशल पर्पस होता है वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना या हटाना। तो अब ह्यूमन बींग्स में ये कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट क्रिएट होता है वो नाइट्रोजनस होता है, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ही हाई होता है और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो वेस्ट होता है। और वो कैसा होता है, वो यूरिया हो सकता है या फिर यूरिक एसिड हो सकता है, तो ये वेस्ट मटेरियल है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। तो हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम जो होता है हमारे अंदर उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है अ पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज मतलब दो होती हैं किडनीज हमारी, तो एक लेफ्ट साइड पे होती है और एक राइट साइड पे होती है। तो ये पेयर ऑफ किडनीज हो गई। फिर होता है पेयर ऑफ यूरिटर्स। तो यूरिटर्स होते हैं वो पाइप्स होते हैं ये जो किडनीज से ऐसे ये बाहर निकलते हैं, ये होते हैं यूरिटर्स। तो लेफ्ट यूरिटर हो गया, राइट यूरिटर हो गया। तो ये जो यूरिटर्स होते हैं इनसे किडनी में जो भी मटेरियल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। अ यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये आ जाता है इम्पोर्टेंट, यूरिनरी ब्लैडर।
ये जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वेस्ट इकट्ठा करता रहता है, अगर स्टोर नहीं करेगा कुछ टाइम के लिए तो हम हमारा तो फिर ये प्रोसेस तो बहुत ही कंटिन्यूस है, ये चलता रहता है। तो इसका मतलब तो होगा फिर हम हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में हम वॉशरूम जा रहे होंगे और जो है हम वेस्ट को रिमूव कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर होता है जो एक टाइम तक के लिए जो है वो किडनी जो भी एक्सक्रीट करती है या वेस्ट मटेरियल निकालती है वो फिर यूरेटर से होकर आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, और फिर एक टाइम आता है जब वो और ज्यादा कैपेसिटी में स्टोर नहीं कर पाता और इसलिए वो फिर यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यही हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही सारी जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो है आप ये देख भी सकते हैं, आपके बताया हुआ है इसके बारे में। सो किडनी इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसकी दोनों तरफ एक एक जो है किडनी होती है और ये राजमा की तरह दिखती है, इसे बीन शेप्ड भी बोला जाता है। फिर यूरिटर जो है, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासेस थ्रू यूरिटर, ये यूरिटर के बारे में बताया गया है, ये यहाँ से पास थ्रू करता है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन कमिंग थ्रू यूरिटर, तो ये स्टोर करता है, और यूरिथ्रा यूरिन रिलीज थ्रू इट, तो जो यूरिन है वो यहाँ से यूरिथ्रा से ये निकल पाता है। तो अब आगे क्या है, आगे आपकी वर्कशीट में क्या बताया गया है? द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट विच इज यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन जो है वो हमारा क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि हमारे ब्लड में जो यूरिया और यूरिक एसिड है वो फिल्टर आउट हो जाए, मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट है और वो हमारे ब्लड से जो है निकल जाए। अगर वो हमारे ब्लड में ही रहेगा या हमारी किडनीज जो है ढंग से फंक्शन नहीं करेंगी और ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में ही रह गया तो हम बहुत ही ज्यादा जो है बीमार पड़ सकते हैं। कभी कभी लोगों में दोनों किडनी के फेल हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, और इस वजह से भी जो है उनकी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए जिन लोगों का किडनी फेलियर हो जाता है या तो फिर उनको डायलिसिस पे रखा जाता है, मतलब कि मशीन के थ्रू उनका ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकाला जाता है क्योंकि बॉडी जो है वो ये नहीं कर पा रही होती है, या फिर उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब कि नई किडनी उनमें उन्हें दी जाती है, डोनेट की जाती है। तो इसलिए ये जो है ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारी बॉडी जो है बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, एंड इट कैन लीड टू डेथ। दीज वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाई किडनीज एंड आर पास डाउन टू द यूरिनरी ब्लैडर बाई अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, देन थ्रू यूरिथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो अभी जो मैंने आपको समझाया वही ये यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेस। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी किडनी के अंदर। अब किडनी ऐसा क्या है कि किडनी जो है ये पूरा प्रोसेस करती है, वो इन वेस्ट मटेरियल्स को निकालती है, तो किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है? तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, ये है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर कैसे फिल्टर होता है, जैसे हम अगर चाय छानते हैं तो एक छलनी से छानते हैं, तो ऐसे किडनी में अगर ब्लड को छानना है तो उसके लिए क्या फिल्ट्रेशन यूनिट है, छलनी क्या है, तो वो एक तरह से नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये किडनी का जो है फंक्शनल यूनिट है, यही वो नेफ्रॉन वो पार्ट है जिसकी वजह से किडनी जो है काम करती है। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इन टू दीज ट्यूबल्स बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस विच आर सराउंडेड बाय अ कप शेप्ड कैप्सूल कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। तो यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि ये कैपिलरीज जो है वो इसको सराउंड किए हुए हैं, तो ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन का ये ट्यूब्यूलर पार्ट है, मतलब कि नेफ्रॉन ये ट्यूब फॉर्म में है, एक तरह से पाइप की तरह, ट्यूब की तरह ये नेफ्रॉन है। अब इसी में यहीं पर जो है ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं ग्लोमेरुलस, ये जो है ये सराउंडेड होता है कप शेप्ड कैप्सूल कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। तो आपकी ये ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस फिगर को, तो ये जो है ये चारों तरफ जो है ये है बोमैन्स कैप्सूल, तो ये कप की तरह शेप होती है इसकी, और ये जो है ग्लोमेरुलस जो है ये यहाँ पर इसके बीच में है। तो ये जो ट्यूब्स जो है, जो नेफ्रॉन जो है वो इसको सराउंड कर रहा है, और ये जो ब्लड कैपिलरीज है जो हमने पिछली वर्कशीट में किया था, ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये भी इसको सराउंड कर रहे हैं। देख सकते हैं हम, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, तो ये भी हम बात कर चुके हैं ये पिछली वर्कशीट में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये जो है ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो
ये जो है हमारी नेफ्रॉन के चारों तरफ ये लिपटी हुई होती हैं एक तरीके से। तो जो ब्लड जो है वो इनमें ट्यूब्यूल्स में, ये जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर जो पार्ट है उसमें बहुत ही हाई प्रेशर में जो है ट्रैवल करता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। और ये जो ग्लोमेरुलस है ये भी एक तरह की ब्लड कैपिलरी है। तो ये जो है बोमेंस कैप्सूल के चारों तरफ जो है वो उसके कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो सराउंडेड होता है। तो ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरी है और बोमेंस कैप्सूल उसके चारों तरफ सराउंडिंग है। और ये जो ब्लड जो है हाई प्रेशर से आ रहा है इन्हीं के थ्रू, और ये फिर जो है हमारी ट्यूब्यूलर पार्ट जो है नेफ्रॉन का ट्यूब जो है उसमें ये एंटर करता है। अब आगे देख लेते हैं आगे आपको क्या बताया गया है इस वर्कशीट में। तो अब ये काम कैसे करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्म कैसे होता है, तो यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो फॉर्मेशन इसका प्रोसेस बताया गया है। तो पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग सब्सटेंसेस डिजोल्व इन द ब्लड इन टू द बोमेंस कैप्सूल। तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी पिक्चर में, आप देख चुके हैं कि बोमेंस कैप्सूल जो है वो सराउंड करा हुआ है, उसने मतलब कि चारों तरफ से घेर रखा है, उसका शेप जो है कप की तरह होता है, उसने चारों तरफ से घेर रखा है। अब ग्लोमेरुलस जो है वो एक ब्लड कैपिलरी है, उसमें जो है हाई प्रेशर से ब्लड आता है और उसी हाई प्रेशर के साथ ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो है उससे निकलते हैं और वहां पर वोमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं, ठीक है। और इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। फिर सेकेंड स्टेप होता है देन ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूब्यूलर रीजन वेयर ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट एंड वाटर आर सिलेक्टिवली अब्सॉर्ब। अब ये जो ब्लड है ये प्यूरिफाई हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इतने हाई प्रेशर में ब्लड आया और फिर ग्लोमेरुलस में जो है हाई प्रेशर से ही जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो बोमेंस कैप्सूल में चले गए। अब वो जो ब्लड आया था और जो प्योरीफाई हो चुका है, अब वो ब्लड फिर जो है ट्यूब्यूलर रीजन से, जो ट्यूब वहां पर है वहां से पास करता है और वहां से फिर उसको सिलेक्टिवली अब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब कि चुन चुन के उसमें से चीजें निकाली जाती है। कौन कौन सी चीजें निकाली जाती है उनमें से, उसमें से ग्लूकोज निकाला जाता है, अमीनो एसिड निकाले जाते हैं, सॉल्ट और वाटर निकाला जाता है। तो ये सारे जो है एनर्जी गिविंग चीजें हैं, इन सबको जो है उसमें से सिलेक्टिवली अब्जॉर्ब किया जाता है। एज द यूरिन पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल सम ऑफ द आयन लाइक पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन फ्रॉम ब्लड आर सिक्रीटेड इन टू द यूरिन। अब साथ ही साथ उसमें और भी जो आयन हैं, पोटेशियम आयन है, अमोनियम आयन जो है, ये सब भी जो है ब्लड में से निकाले जाते हैं और ये भी जो है यूरिन में एड ऑन हो जाते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट द यूरिन, वॉटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। अब जो यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट है मतलब कि ये सारे आयन जो है, ये सारी जो एसिड जो है और सॉल्ट जो है, इन सबको जो है एक तरह से कलेक्टिंग डक्ट होता है, एक तरह से एक वेसल सा होता है, एक ऑर्गन होता है जिसमें इन सबको कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और जो वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो जो भी उसमें से यूजफुल जो वाटर है वो बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब कि वापस से उसे ले लेती है, और जो भी अब जो बचा हुआ चीज है वो यूरिन हो जाता है, वो यूरिन बन जाता है। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें यूरिया होता है एंड यूरिक एसिड होता है एंड ऑल्सो द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू द यूरिन। तो ये जो यूरिया और यूरिक एसिड होता है इसी की वजह से जो है यूरिन का कलर जो है वो येलो होता है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके यूरिन का कलर बहुत ही ज्यादा येलो है, बहुत डार्क येलो है, वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप पानी बहुत कम पी रहे हैं और उस वजह से जो है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड और यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है जो वेस्ट की तरह निकल रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, मतलब अच्छे से क्वांटिटी में पीना चाहिए। बहुत ज्यादा का मतलब मेरा अगेन ये नहीं है कि इतना ज्यादा पी लो कि आपको बहुत ज्यादा ही पानी पिया जाए और वो एक्सेसिव में हो जाए, बल्कि आपको इतने अमाउंट में पानी पीना चाहिए कि बॉडी में जो है ये यूरिया और यूरिक एसिड सही मात्रा में निकलते रहे और बॉडी में इनका कंटेंट जो है वो ज्यादा ना हो। अब रिमूवल कैसे होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर्स द यूरेटर, फ्रॉम यूरेटर इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरिथ्रा। तो ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर किडनी में फिर ये जो यूरिन फॉर्म हो चुका है, अब कैसे फॉर्म हुआ है हमने अभी अभी डिस्कस किया है। ये जो फॉर्म हो चुका है ये फिर यूरेटर से निकलता है और फिर यूरेटर से ये ब्लैडर में स्टोर हो जाता है।
तब तक स्टोर होता है जब तक कि ब्लैडर में जो है वो प्रेशर नहीं बनता है कि हाँ अब हमें वॉशरूम जाना है एंड वी नीड टू पास इट आउट थ्रू यूरिथ्रा, फिर यहाँ से ये पास आउट हो जाता है। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, हम जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो आप यहाँ से उसका आंसर लिख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। यही आपका आंसर वन है। चलते हैं आपके क्वेश्चन टू पर। क्वेश्चन टू आपका कहता है, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंट कैसे है, आप ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप लिखेंगे रिमूव वेस्ट दिस, और मल्टी सेलुलर आप लिखेंगे रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय स्पेशलाइज ऑर्गन। तो ये आप दोनों डिफरेंस लिखेंगे आंसर टू में। चलते हैं आपके क्वेश्चन थ्री पर। क्वेश्चन थ्री आपका कहता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे नेफ्रॉन, फिर आप लिखेंगे इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये आपका हो जाएगा आंसर थ्री। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इस तरह से लिख लेंगे। फिर है आपका क्वेश्चन फोर, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज असेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जो है ये कहाँ पर होता है, प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, आप ये यहां से लिखेंगे आंसर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, फोर्सिंग सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। तो ये आपका आंसर फोर है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लिख लीजिए। फिर चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका आपको लेबल डायग्राम बनाना है। तो आप चाहें तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप इसको भी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वाले डायग्राम को आप बना सकते हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिए, आप इसको बना सकते हैं। ये आपका है लेबल डायग्राम। आप चाहें तो हम आपको एक और यहाँ पर दिखा देते हैं फिगर, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये और ज्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, आप इसको भी बना सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है अगर इस वर्कशीट में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प मिल जाए। उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए आपका इस वर्कशीट में इतना ही है। थैंक यू।